वाली रंग बरसे और रंग बरस भीगे चुनर वाली रंग बर आ जा दीदी आ। हैप्पी होली बेबी। हैप्पी होली बोलती हूँ मैं। मेरा भी लगा बोलती हूँ। मेरा भी लगा। हैप्पी होली। आहा होली। चलो प्रणाम भी करो फिर मौसी को। रोक दे रोक रोक दे मौसी। प्रणाम जी रे। तुम्हारा बनिया। हमारी मम्मी प्रसाद बना रही है गुजिया के लिए। हेलो बोल दो मम्मी। हेलो मैं त्योहार बना रही हूँ। होली का त्योहार आ रहा है। मैं गुजिया बना रही हूँ। सबको हैप्पी होली भी बोल। सबको हैप्पी होली मेरे तरफ से। बहुत बहुत बधाई है होली की। और मौसी आपकी तरफ से भांग का है। भांग? हाँ भांग की खोज में निकलना पड़ेगा हिमालय। क्या हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। किसके साथ होली आज? मम्मा को नहीं बोल रहे हो? मम्मा। थैंक यू बेबी। हैप्पी होली आपको भी। टीका तो लगाया ही नहीं होली का। कहाँ है? जाओ कलर लेके आओ। जा लाल पिटली भाई। इसे कर मैं डाकू बना देती हूँ इसको। अभी नहीं क्यों हुई रे। तो आप सभी को हमारी बिस्ट फैमिली की ओर से हैप्पी होली गाइस। मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली भी हो सकता है। आने वाले समय में मैं ब्लॉग में ना रहूं। वो यार एडवांस में बोल के जा रही है। हाँ अच्छा बड़ी क्यूट लग रही है ऐसा। कब से? बीबी कलर लगा आज से। अच्छा आज से सब कुछ आज से। शरानी भी नहीं करूंगी कहती है रोज। तीसरे दिन कहती है फिर कहती है आज से। वैसे आदमी कलर में कितना खूबसूरत लगता है ना। रंगों से परहेज नहीं करना इस होली में। लिपस्टिक भी अच्छी लगी इस कलर ऐसा। रंगों से परहेज मत करना इस होली में कह रही हूँ। परहेज मत करना। कहाँ जो जा रहे हम क्या परहेज करेंगे? तो मुझे दो दो बार हैप्पी होली बोलेगी ना। बिल्कुल। चल एक जोक सुना हस्बैंड और वाइफ पे। मेरे को नहीं पता यार बहुत टाइम से मैंने हस्बैंड वाइफ पे जोक नहीं सुने। मतलब पढ़े भी नहीं है कहीं है भी नहीं और फॉरवर्ड भी नहीं करती हूँ। आजकल ग्रुप भी एकदम शांति छाई हुई है तो इसलिए कुछ नहीं चाहता। मैं भूल गई हूँ मैं सुनाने वाली थी तुझे। तो वही तो कह रही हूँ तेरा इंतजार कर रही हूँ तुझे ही नहीं पता। चल सुना। भूल गई हूँ ना। जब याद आएगी तब सुना देना। मैं चलूँ फिर? अभी चलते हैं दोनों। ड्राई फ्रूट से कूट दिया। मम्मी प्रसाद बना रही है। अब तो धीरे धीरे मेरा मोटा भाई इतना बढ़ गया है कि मेरा गला ही नहीं है। देख और मेरा तेरी हड्डियाँ बाहर आ रही है। हड्डियाँ मेरा ऐसा हो रहा है। देख ऐसा हो रहा है इधर से। मेरे बीच में जो हड्डियाँ टूट गई हैं मुझे लग गई हैं। खाया बता रही हूँ। प्रेगनेंसी ग्लो कर रही हूँ देख। बस एक साड़ी होली की साड़ी पहनने की कमी है। अगले साल पहनूंगी। ले आ फिर इस बार पहन लेना। दो ही मिनट तो तू फोटो ही तो खींचती कौन सा पहनती। नहीं ना इस बार नहीं पहनूंगी साड़ी। क्यों? इस बार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा टेम्परेचर लूँ शरीर में। कपड़े हाँ पहन रही हूँ तो ठंडा लग रहा है। फुल पहन रही हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है। लगता है मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ परसों तो जाना ही है मेरे को डॉक्टर के पास रिपोर्ट चेक कराने का। होली कब है? होली पता नहीं यार कब है। होली 7-8 को। तो परसों कैसे जाएगी? होली के टाइम पे कैसे जाएगी तो? परसों 7-8 होने लगेगी। डेट कितनी हो रही है? आज कितनी तारीख है? 4-5 तारीख। कल 6-7 8 को होली है तो एक दिन पहले और खतरनाक होली होती है पता नहीं है तुझे। तो ऐसे में तू ठीक वही दिन क्यों निकाला तूने हॉस्पिटल जाने का? अब ऐसा ही हो गया फिर मैंने आज क्यों कराया होगा फिर अपना टेस्ट? कोई बात नहीं 2-4 दिन लेट चलेंगे भाई। जब नींद नहीं आती है लेट का हिसाब ही लगा लिया अगर। तो रात को नींद नहीं आती है फिर नेट भी नहीं चलता रात को। तुझे पता है 2 बार मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करा फिर भी मेरा नेट नहीं चला। फिर मैं बोर हो गई सुबह 5 बजे तक। फिर मैंने कहा फोन साइड रखो फिर थोड़ी देर लेट। जिस दिन ऐसा होता है उस दिन सब तरह से ऐसा ही होता है हमारा। क्या भाई टाटा स्काई भी बंद हो गया। पापा का नेट भी नहीं चला। मेरे फोन में भी रिचार्ज नहीं था। सब वो हो गया। मतलब एक साथ ही होता है जो भी होता है। वही तो देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। जो क्या था यार देखा अभी तो तुझे जोग याद नहीं आया। दुनिया भर की बात कर ली है लेकिन जोग याद नहीं आया तुझे है? अब मैं इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हूँ ना सोच के कि जोग कौन सा था उतने में मुझे स्ट्रेस हो जाए। अपने दिमाग को इतना भी जोर नहीं देना चाहती हूँ मैं। बस बस
जब आदमी अपने दिमाग को इतना आराम देता है तो लास्ट में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। Oh my God. हो ही गई है 2 साल से घर बैठे बैठे। अरे वो नहीं होता है कि जिस चीज को हम घिसते हैं तो वो ज्यादा चमकती है, तो दिमाग के साथ भी लगभग ऐसा होता है, मैंने ऐसा सुना था। हाँ तो आजकल तभी तो मैं अच्छी अच्छी चीजें सोचती हूँ आजकल दिन भर। देखो जोक नहीं सोच पा रही है, अच्छी अच्छी सोची चीज खाने के बारे में सोचती हूँ ना, खाने के बारे में। हाँ ओ छोटे मामू आ रहे हैं, हैप्पी होली ब्रो। वो देखिए छोटा डॉन पीछे से मामू को शक्ल दिखा, बेबी इधर इधर। हैप्पी होली गाइस। ये याद है, याद है बेबी? आपने नहीं बोला मामू को हैप्पी होली? याद है बेबी, दिखा दिखा इसको दिखा। चल रंग बर से हाथ हाथ हिला, चल और रंग बर से भीगे चुनरी, रंग बर से चल और रंग बर से भीगे चुनर वाली, रंग बर से। बेबी तो अभी से हनुमान जैसे लग रहा है। पत्नी बोलती है ना अपने पति से, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल जैसा है बोलता है, बोलती है। तो पत्नी बोलता है तो क्या अभी भी तो ऐसे बोलती, पत्नी बोलती है सच में कहती है खुश होते हुए। पति बोलता है हाँ पहले तो 200 ml की बोतल जैसी लगती थी, अब 2 लीटर की बोतल जैसी लगती है, ऐसा बोलता है। समझ नहीं आएगा। अरे आज जैसे हमसे आनी सोची थी वैसा आ रही थी। Oh my God, जोक में दम नहीं था, that's me. थोड़ा बना ना, तू बोला नहीं कुछ ही होगा तबे। नहीं किसी का काम की छत पे जी सब निकलने वाला है। ये मौसी ड्राई फ्रूट्स कूट रही है, बादाम और अखरोट, कुछ और बचे हैं यहाँ पर। ये उसमें क्या क्या मिक्स कर दिया है आपने? ये ड्राई फ्रूट्स हैं यार, इसमें नारियल का बुरादा है। हाँ। वो है चिरौंजी है और काजू है, बादाम है और अखरोट है। अच्छा ठीक। और इसमें ये है चीनी का बुरादा और वो है उस तरफ सूजी, वहाँ को पलट, वो है सूजी, इन सबको। वैसे तो अभी पहले प्रसाद के बाद इसे भूनेंगे ना, पड़ता है इसे उसी कढ़ाई में उठा ली जाएगी, उसमें इसको भूनेंगे फिर उसको इसमें मिक्स करेंगे। चल थोड़ी देर में खड़ी हो सकती हूँ मैं, भून लूंगी इसको, ठीक है? हल्के आंच में भूनना पड़ेगा, गर्म होता है तो वही होता है, लेकिन बहुत ठंडा होता है तो सख्त हो जाता है। सो दोस्तों अब हमने मावा को भूनने के लिए रख दिया है उसे हल्के आंच पे। मैं थोड़ा सा इसे भून लेती हूँ। कहिए दो शब्द। हैप्पी होली गाइस। वही इतना ही था? और ये क्या कर रही हैं आप? मैं मावा को भून रही हूँ। कितना भूनेंगी? अब जैसे आप मुझे बताएंगी वैसे कर लूंगी, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं अभी अभी बड़ी हुई हूँ। कैसा दुखी होके देख रहा है विनोद लग रहा है विनोद। ये ऐसा कलर बच्चों को छुड़वा दिया, देखना बच्चों को छुड़वा दिया लेकिन अपना पहनने लगा है ये कलर। मुझे भी येलो कलर पसंद है, कलर है। किसको कह रही है हैप्पी होली? मेरे को। छोटे मामू को? तो ये है हमारी गुजिया बनाने वाली पार्टी, ये मौसी मिक्स कर रही है मावा। कोई बात नहीं, वो भी तो छोटे मामू है आपके। सुबह तो उसी के लिए भागती है नीचे पहुंची थी, अभी झगड़ा हो गया तुम्हारा। मामू मामू बोल के नीचे गई थी, मामू इसको मोड़ पे मिल गए, वहीं ऐसा थलांग लगाया इसने गोद में। क्या बनाने वाले में पढ़ाई करोगी आप? यही गुड़ चिरौंजी सब डाल दिया। आप ट्राई में खाओगे? हाँ आप मुझे किस में दोगे? मैं तीन में खाऊंगी।
थोड़ी खाने यार, ये तेरा बिना बेबी अंदर बंद हो गई है। क्या बोलूं? पहले गुल्ला लीजिए, गुल्ला लीजिए। क्यों बोलता आ रही हो? गुल्लक? गुल्लक लीजिए। गुल्लक? हाँ। तो गुल्लक लीजिए का क्या मतलब है? वहाँ नीचे है चंदू दीदी वाला बाव बाव। कौन से चंदू दीदी वाला बाव? ब्राउनी। कहाँ ब्राउनी? वहाँ नीचे रैग में रखा है। ये डांस सीखो रे, ये बेबी के उसमें वीडियो बनाते फिर। तो मैं हिल नहीं सकती हूँ, कैसा डांस करूंगी? तू कर बेबी को कोरियोग्राफ। ये अभी इतना सीरियस का है, इतना बड़ा दिख रहा है। चीन कर लूंगी ना, आधा किलो चीन ले रहे हैं। सूरज जब मोटा था डांस करता था तो सब लोग जगह छोड़ देते थे सूरज के लिए। अरे डाली ये शी गुड, खाली आनी दीदी का जैसा क्यों कर रही है तू? बल बल ना थोड़ा आटा बिन में चाट बन के आ गई। हमारी अंडे दिया बड़े बड़े आटा पर दिया। समझता ही नहीं है जब तक मेरे से ये लोग सब जीत करते तभी तू इतनी जहरीली हो रही है ना। जीते नानी बेबी को मसाज दे रही है। ये भैंस कोई रजी जी का भैंस। माता जी ने बेलना शुरू कर दिया है गुजिया। अच्छा सुरेश भर रहा है दूध। एक उसमें गीला वो भी लाना पड़ेगा दूध। ठीक है एक बेलन और। चल साओ फागुन के राग गाना शुरू कर दे तू। ये मेरे को नहीं आता यार, ये तारू करती है। अरे आटे का घोल बनाना पड़ता है। एक कटोरे में थोड़ा आटा थोड़ा पानी। जूस नहीं होता क्या? सुरेश बिल्कुल कैसे हाल लगा रहा है ऐसे इतने आराम आराम वाले। दूध कटोरे में दूध ला दूं थोड़ा सा। मिलाओ मिलाओ लंबू क्या मर गई। तू बहुत बढ़िया बना रहा था वीडियो वगैरह, क्या हुआ तेरे को? आजकल दिखता ही नहीं दे रहा कुछ। गंदा जाएगा फिर बनाएगा मुझे। ज्यादा मत भरना फिर फट जाएगा।
भुजिया बन चुके हैं, मौसी तल रही है। जलाने काटने पीटने तलने में हम एक्सपर्ट हैं। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना चारों तरफ वातावरण में आजकल, गुजिया की खुशबू। कृपया ये प्लेट बाहर लेकर जाए, इसमें गुजिया रख दो तो इसमें बहुत।